हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ ऑफ नंदिता। मैं हूँ नंदिता। तो आज मंडे है और आज मेरा यहाँ लॉकडाउन है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि कल तो संडे था तो छुट्टी का दिन ही है और आज मंडे है, तो आज लॉकडाउन के कारण से ही आज भी छुट्टी है। तो मेरा हस्बैंड ऑफिस नहीं गया, वो घर में ही है, इसलिए मुझे सुबह सुबह जल्दी से नहीं उठना पड़ा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और अभी 10 बज गया तो ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया, ब्रेड लिया है आज ब्रेकफास्ट पे, और मेरा नहाना भी हो गया और पूजा भी हो गया, सब काज मैंने सुबह का सब काज मेरा फिनिश्ड हो गया। अभी मुझे बनाना है लंच, तो लंच के लिए कल मेरा हस्बैंड चिकन और फिश लाई है। तो आज लॉकडाउन के कारण से सब कुछ बंद है, तो इसलिए तो सब कुछ वो कल खरीद के लाई है। और कल तो चिकन हो गया और आज वो फिश हम बनाएंगे। तो अभी मेरा कुछ भी रेडी नहीं किया, तो हम धीरे से कर लेंगे क्योंकि सब तो घर में ही है, तो इसलिए मैं कोई जल्दी भी नहीं है, थोड़ा धीरे से हम सब कुछ काम कर लेंगे। तो ठीक है, तो देखते रहे कि हम क्या लंच बनाएं आज। चलो तो ये देखिए मेरा राइस बन रहा है इधर, और यहाँ है मूंग दाल जो बॉईल हो रहा है, और ये है फिश जो कि बॉयल फिश है। इसको हम नमक और हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैरिनेशन करके रखा है कि ये फिश बहुत फूटते हैं, तो थोड़ा सा ऑयल लगाने से ये फूटते नहीं ज़्यादा। और ये रूह फिश का हेड, इससे हम मूंग की दाल बनाएंगे और थोड़ा सा पोटैटो फ्राई कर लेंगे बस। ये बॉयल फिश को हम कड़ी बनाएंगे। तो इस बॉयल फिश को कड़ी बनाने के मुझे थोड़ा सा टोमेटो मैंने लिया है, और प्याज और ग्रीन चिलीज, और इधर जो फिश हेड का जो दाल बनाएंगे तो उसी से हम अदरक और ये लहसुन हम डाल देंगे क्योंकि स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो इस फिश का कड़ी बनाने के लिए मैंने वो पीला वाला जो मस्टर्ड है ना, उसी के साथ हम इसको कड़ी बनाएंगे। और ये मेरा दाल बॉईल हो गया और मैंने ये वाइट ऑयल दे दिया कढ़ाई में, तो ये गर्म होने के बाद मैंने ये फिश को फ्राई कर लेंगे। और ये देखो, ये मेरा बेटी इधर पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो ये पढ़ाई कर रहा है। और ये मेरा हस्बैंड है ना, देखिए ये छुट्टी का दिन में बहुत कम करता है, मुझे बहुत हेल्प करता है। देखिए तो रूह फिश का हेड फ्राई हो गया, अभी ये वाला जो फिश है ना इसको हमको फ्राई करना है, और ये फिश फ्राई करना बहुत रिस्की है। तो देखिए मैंने कैसे फ्राई करती हूँ इसको। माय गॉड, डिस्टेंस मेंटेन करके हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ना, इससे ये फूट रहे हैं ज्यादा, और ये गैस का आज भी कम कर दिया, तो ये फिश थोड़ा सा फ्राई करने से ही हो जाता है। फ्राई हो गया,
थोड़ा सा ये मस्टर्ड ऑयल हम डाल देंगे इधर, स्मेल बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मेरा बिस्तर का हालत, सुबह एक बार मैंने इसको ठीक करके रखा है और मेरा हस्बैंड इतना सुंदर ये बेड को डेकोरेशन करके रखा है। और देखिए सब कुछ ओलोट पालट है, तो क्या करूं, जब हस्बैंड घर में रहता है छुट्टी के दिन तो यही हालत हो जाता है सबके घर में, तो अभी इसको ठीक करना है। तो अभी 12 बज गया है, तो अभी तो लंच का टाइम है, बट हम अभी लंच नहीं करेंगे। और मेरा लंच सब कुछ हमारा तैयारी हो गया, और क्या क्या लंच बनाए हैं हम बाद में फिर से शेयर करेंगे। तो अभी दिखाया है कि मेरा हस्बैंड घर का हालत क्या करके रखा है, तभी उसको ठीक करना है और तब हम खाना खाएंगे। तो अभी इतना जल्दी हम खाना नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सा कम कर लें फिर हम लंच करेंगे, ठीक है। तो और ये दो दिन तो गर्मी भी बहुत है कि काल से लेके आज तक भी गर्मी है, और तो बारिश का तो कोई पता भी नहीं चल रहा है। तो क्या करूँ, बहुत मैंने इतना गर्मी में क्या करूँ, बारिश का तो कोई पता भी नहीं है। और जो है ना, गर्मी में मेरा स्किन सेंसिटिव हो गया है, तो सेंसिटिव होने के कारण से है ना ये सब इधर इधर जल रहा था। तो क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, जो लैक्टोकलामाइन का जो लोशन है ना, उसे हमने थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया, पूरे फेस में लगा दिया, तो तभी से मेरा फेस ठीक है, अभी ठीक ठाक ही है। तो क्या करूँ, मैंने इतना गर्मी तो ठीक है, तो हम मिलते हैं लंच के टाइम में, ठीक है। तो ये देखिए, ये है फिश करी, और ये है फिश हेड विथ मूंग की दाल, और ये है पोटैटो फ्राई, और ये है राइस। बनाई है ना, बहुत अच्छा हुआ, बहुत टेस्टी हुआ। और जब हस्बैंड घर में रहता है ना छुट्टी के टाइम में, तभी मैं बहुत बहुत सारा खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम सारा दिन एंजॉय भी करती हूँ। तो
सबका लंच हो गया है, तो इतना ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा रेस्ट तो बनता ही है। तो और लंच करने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने अब अभी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और जो है ना, जो मेरा फेस अभी तो वह हमने वॉश करके आई है तो फिर भी हमको जल रहा है, इतना सेंसिटिव हो गया और बहुत ऑयली भी हो गया इधर। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस यही, तो और मिलेंगे, फिर मिलेंगे किसी कोई और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टाटा।